भाभी आपका भी करूं? नहीं तो हाँ पूरा करो। हाँ गुड, अब निकल गया। देखो अब निकालूंगी। मम्मी पकड़ो, इनके मुंह के पास लगाना है कैमरा। बस बस पकड़ो इसे। हो गया। हाँ सही हो रहा है ना आपका और मम्मी का। गाइस ये हमारी ब्राइड रेडी हो गई है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो पता नहीं वहाँ से चीची चेचे की क्या आवाज आ रही है। तो मैं जा रही हूँ बेताल घाट रिसेप्शन का मेकअप करने। कल मैंने दिखाई थी ना बजोल वाली ब्राइड, उसी का रिसेप्शन मेकअप है बेताल घाट। कल तो बहुत दूर था बट आज मेन मार्केट में बेताल घाट। अब मेरे साथ आ रही है हिमा दी, क्योंकि हमने उनसे एक्स्ट्रा किराए के पैसे लिए हैं, तो हम टेबल भरने का इनका खर्चा भी निकल जाएगा। और आज पार्लर में तक काम है नहीं, तो हम दोनों जा रहे हैं। सो गाइज हम लोग निकल चुके हैं। सो गाइज बर्थाव क्रॉस करते हुए गंदी सी रोड, मैंने अपना मुंह बंद किया था। अब हम पहुंचने वाले हैं अंबानी। जी रही हमारी ब्राइड कोमल। तो स्टार्ट करते हैं इनका मेकअप। इससे पहले ना एक शॉर्ट वीडियो बना देती हूँ फटाफट से। गाइस ये हमारी ब्राइड रेडी हो गई है कम्प्लीटली। ये देखिए गाइस ये हमारी ब्राइड पूरी तरह से रेडी है। कैसा लग रहा है कोमल? बहुत अच्छा। चलो फिर अब चलते हैं हम लोग यहाँ। तो गाइस अब हम जा रहे हैं वापस। दी आपकी एक वीडियो बना देती हूँ, आ जाओ। ये है दुल्हन की नर। हाँ रुको अभी एक सेकंड मैं अभी आपका ब्लॉग बना रही हूँ, फिर बनाऊंगी वीडियो। कैसा लग रहा है दी आपको मेकअप? बहुत बढ़िया, अच्छा करवाना इनसे। तो चलो 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 धाड़ वालों। वो तूने दोनों साइड टाका है बैग। आज हम आए हैं पूजा के पार्लर बेताल घाट में। हमने कहा जा ही रहे थे तो मिल लेते हैं पूजा से। सही चल रहा है यार, आप लोग भी आना। जो जो ब्लॉग देख रहे होंगे बेताल घाट से, जिसको पता नहीं होगा किसके पास है ये बता दो आप बस। जलाल बेकरी के सामने। अच्छा उधर जलाल बेकरी है ना। हाँ उसके सामने। अभी लाइट गई है अंदर, थोड़ा दिख नहीं रहा। गाइस पार्लर से आने के बाद उज्जवा मेरी बिंदी जो गिर गई, और मतलब मेकअप करने के बाद अब मैं जा रही हूँ सीधा अपने ससुराल। पहले एक बिंदी गिर गई है, फटाफट अपनी बिंदी लगा लेती हूँ। अब ठीक है, अब जाती हूँ फटाफट अपने ससुराल, क्योंकि मेरे ससुर जी आए हैं लेने के लिए, नीचे खड़े हैं। तो हम तो निकलते हैं नैनीताल की ओर। अच्छा नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा। चल ऐसा है यार, चल आज घर चल। अच्छा कोई है? चल आजा आजा। बात तो सुन लो, बात तो सुन लो। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग। तो जो ये व्लॉग है ना, आज मैं दूसरे दिन का स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं कल ही आई थी अपने ससुराल और आज मैं हूँ छुट्टी में। और आज ही मेरे फेस पे एक इतना बड़ा सा पिंपल निकल गया, पता नहीं क्यों। तो मैंने कहा बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो गई थी, कभी इधर भाग रहे थे कभी सॉरी उधर भाग रहे थे। तो मैंने कहा आज छुट्टी कर ली जाए, और मम्मी ने भी मेरे से कहा कि आज रेस्ट कर ले। तो मैं आज हूँ अपने रेस्ट पे और नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ। आज ना मैं लाइफ में पहली बार पील ऑफ मास्क यूज़ करने वाली हूँ, तो मैं उसका रिजल्ट देखना चाहती हूँ कैसा होता है। तो इसीलिए मैं ना ये वीडियो बना रही हूँ, एक बार उसका यूज करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि उसका रिजल्ट कैसा रहता है। तो गाइस ये रहा पील ऑफ मास्क, एवर यूथ का है पील ऑफ मास्क। तो इसमें ना लिखा हुआ है कि इसको यूज कैसे करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि पहले आप अपने अपना फेस वॉश कर लीजिए अच्छे से, जो मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद ना ये आइस पेन नहीं लगाना है, और
यहाँ पे नहीं लगाना है, लिप्स में मतलब माउथ पे नहीं लगाना है, इन एरिया से दूर रखना है। और जो इसकी लेयर है ना बहुत मोटी मोटी लगानी है। पता नहीं मैं आज इसे क्यों यूज़ करने का मन कर रहा है, मैं आज तक मैंने ये सब चीज़ें यूज़ नहीं की, तो मैं आप लोगों को भी इसका रिजल्ट दिखा देती हूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं और अब मैं इसको यूज़ करने जा रही हूँ। तो मैं ना इसको अपने फोरहेड से अप्लाई करती हूँ, इसका एक मोटी मोटी लेयर लेके। मैंने सुना है यहाँ पे मेरे पास हेयर बैंड नहीं है, तो थोड़ा बालों को पीछे करके मैंने सुना है कि निकालने में बहुत दर्द होता है इसको, बट आज ट्राई करके देखते हैं कैसा रहता है इसका रिजल्ट। ये देखिए मैंने अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है, ये वाला एरिया रह गया शायद, मैं इसको भी अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ। हाँ अब ठीक हो गया। तो ये देखिए पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है, और कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम दिख रहा होगा, बट उसकी मैंने इक्वल लेयर लगाई है, यहाँ पे अभी भी कम हो गया, तो क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में लगाया था ना तो सूखने लग गया था। ये देखो आपको भी लगाऊं हैं, लाओ ना इसे मुंह चमक जाता है, देखो मैंने भी तो लगा रखा है। तो गाय जब हम ताई के मुंह पे भी लगाएंगे कुछ भी नहीं हो रहा दीदी। गाइस मुंह पे बहुत बोलने में खिंचाव हो रहा है, तो अभी सूख चुका है, अभी थोड़ी देर बाद निकालूंगी इसे। भाभी आज मैं ताई जी को चमकानी, देखो अब बोलने में दर्द हो रही है मुंह पे, थोड़ी देर चुप हो जाती हूँ। भाभी आपका भी करूं? नहीं तो क्या लगी है ये करने, तो मैंने शादी में नहीं की जॉब करके के नहीं। तो गाइज मेरे को हो गए हैं 13 मिनट और मैं अभी इसे निकाल रही हूँ, क्योंकि देखो यहाँ से वो हो गया है, ये देखिए आई। तो मैं अपना निकाल रही हूँ, और मेरे यहाँ पे वाइट हेड हो रहे थे तो पता नहीं निकले नहीं निकले, बट मेरे को अभी ताई जी का जब निकालूंगी ना तब पता चल जाएगा। ये देखो दर्द हो गया निकालने में, नहीं हो रही है। कभी कर दूं आप दोनों का भी कर दूं? आंटी को रखे लालच भावना, कुछ होगा कुछ तो नहीं होगा ना, बस 100 रुपए दोगे तो कुछ नहीं होगा, ना फ्री में कराओगे तो होगा। 100 रुपये जो ले रही क्या करूँ, कहीं मेरा अच्छा खासा मुंह वैसे खराब हो जाएगा, मैं तो डर नहीं, वो बिना पैसों के होता है खराब, पैसों से थोड़ी होता है। इतना अच्छा है मेरा ये आंटी कहते हो क्या हो, नहीं उनका तो फ्री में करूंगी, तो दिल्ली के है ना, तभी नैना का जल गया था, कैसा हुआ मुंह ऑर्डर नहीं। ऐसे निकालते हैं इसको नीचे को ना, ऐसे दर्द हो रहा ना। कम होता है ऐसे दर्द, वरना ना हम जब ऊपर को निकालते हैं ना तो बाल खींचते हैं हमारे। देखो दीदी वो ना हम मैं लोगों ना क्या लिखे उषा उषा मुंह रहा है मैं कावर भी सुन करो ना बहना कर मेरा भी, जब तक तो यहाँ होंगे फिर कराते रहेंगे भी, लगा के ना सूखने देती हूँ फिर निकल जाएंगे वाइट। हाँ आधे निकल गए हैं पता है, ये काले से निकल जाएंगे, रोक दो। क्या निकालनी है तो लड़न लड़न शिराय ना भुदाल कर दी नहीं हो मार मैं डर बाप गया मणि। भावना अपनी सासू माँ के फेस पर, अब इनको ताई को देख के, ताई को देख के मन कर रहा है, वरना अभी तो बिल्कुल मना कर रहे थे। बताओ टाइम कितना हो रहा है, बस इतना ही बनाओ टाइम, टाइम कितना हो रहा है, इसको बंद कर बहुत ज्यादा। अरे आपने खड़े में बना दी तो गाइस ये देखो हमारी कमोली का सज दस के तैयार हो रखी कमोली का, और ये देखो मम्मी चमक गई है, ना 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 बोल रही थी, देखो कैसे चमक रहे हो आप,
ये मम्मी फटनाक, मेरी मम्मी जैसी है ये, वो भी पहले ना बोलती है फिर बोलती है ला कर ले। और ये देखिए अब इनको भी चमकाना है, कल शादी है, उतार लो यार ज्वेलरी। अब शादी है, किसकी शादी है? क्यों आज वो है हल्दी है मेहंदी, बुढ़ी औरत से कौन शादी कर रहा है? बुढ़ा ही करेगा जो आंजो क्या करेगा बुढ़ा ही करेगा जो भी। गाइस देखिए हमने एक को और लगा दिया दीदी को, तो मैं इनको बोल रही थी मोहल्ले में एक पार्लर वाली और एक सिलाई वाली जरूर होनी चाहिए। हाँ पूरा करो, हाँ गुड, अब निकल गया, देखो अब निकालूंगी। मम्मी पकड़ो इनके मुंह के पास लगाना है कैमरा, बस बस पकड़ो इसे, हो गया हाँ सही हो रहा है ना आपका और मम्मी का? ना मैंने सही लगाया, पता है ताई का मेरा मोटा हो गया था वैसे, ये देखो आपका सही हो रहा है, ये देखो मम्मी का भी कैसे निकल गया था। बस रोक दो मम्मी, तरबूजा कटिंग चल गई है अभी। इनको आज क्लास दे रही हूँ, देखो कैसे क्रीम लगानी है, पहले मुंह चमका दिया इनका। अमक प्रणाम बोल जाती हूँ। हमारी तो सारी औरतें चमक चुकी हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आप लोग भी यूज कर सकते हैं पील ऑफ मास्क क्योंकि आपने इसका रिजल्ट देख ही लिया है। बाय बाय, मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, तब तक के लिए टेक केयर और ऐसे प्यार बनाइए रहिए मेरे चैनल पर, और चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिएगा प्लीज़। बाय।